हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक शाह है और मैं उत्तराखंड के मसूरी के लवासना से थोड़ा दूर एक गांव है थत्तीउड़, वहां का रहने वाला हूं। मैं पिछले साल जून 2019 से सिविल सेवा की तैयारी कर रहा हूं। आज मैं आपके साथ इस पूरे साल के दौरान मेरा अनुभव क्या रहा, कैसे कैसे मैंने अपनी तैयारी शुरू की, कैसे कैसे स्ट्रेटजी बनाई, क्या क्या मेरी बुक लिस्ट रही है, ऑप्शनल नोट्स बनाने का तरीका, अखबार पढ़ने का तरीका, कौन सा अखबार पढ़ता हूँ, इन सब के बारे में आपसे बात करेंगे। और मैं हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहा हूँ और मैंने आज तक कोई भी कोचिंग नहीं ली, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे जो बच्चे दूर दराज के गाँव के रहने वाले हैं, जो महंगी महंगी कोचिंग्स वगैरह एफर्ट नहीं कर पाते हैं और स्पेशली हिंदी माध्यम के लिए, तो उनके साथ अपना एक्सपीरियंस साझा करना चाहूँगा ताकि उन्हें आसानी हो अपनी तैयारी शुरू करने के लिए और वो जान सके कि हाँ एक्चुअल में क्या क्या मुसीबतें आती है तैयारी के दौरान और शुरू करने के दौरान। उसके बाद में इतना आपको कमरा कैसे मैंने रूम सेटअप कर रखा है, मैप्स कैसे कैसे मैंने नोट्स बना रखे हैं न्यूज़पेपर के किस किस टाइप से, उन सब के बारे में आपसे आपके साथ उन सबको शेयर करूँगा। तो सबसे पहले आपको रूम दिखाता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे नोटिस लगा है कि जूते चप्पल बाहर उतारें। इसके बाद सबसे पहले आते हैं यहाँ पे, तो ये है आपका फिजिकल मैप है वर्ल्ड का, ठीक है। इसमें तीन लाइन जो मैंने खींच रखी है वो कर्क रेखा, मकर रेखा, इन सबको और इन सब के बीच में लिखा के आसपास जो कंट्रीज़ वगैरह, जो नदियाँ ये सब पड़ती है उनको इस वजह से याद जो रह पाए आसानी से, इसलिए कर रखी है। फिर इसके अलावा फिर ये इंडिया का फिजिकल मैप है, इस पर भी मैंने ऐसे कर रखा है कर्क रेखा के आसपास जो शहर वगैरह पड़ रहा है उस पर्पज़ के लिए। फिर यहाँ पे मेरा ये वाइट बोर्ड है जिसमें मैं डेली कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ मोटिवेशन के लिए, ताकि मोटिवेशन बना रहे। जैसे आज का है, यू कांट चेंज योर पास्ट बट यू कैन चेंज योर फ्यूचर। इंग्लिश ठीक ठाक है बस ऐसी। ये मेरा बेड है, ये मेरा स्टडी प्लेस है। तो अब आके यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले ये, तो ये छोटा सा वाइट बोर्ड है जिसमें मेरे डेली के टारगेट रहते हैं कि मुझे डेली कौन सा टारगेट ख़त्म करना है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का, ताकि इन पर नज़र पड़ती रहे और जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल वगैरह जो हैं, अनुच्छेद वगैरह हैं, वो आसानी से याद हो सकें। जी फिर इंडिया का पॉलिटिकल मैप है एक पढ़ाई के लिए यहाँ पे, ताकि पढ़ते समय जो भी मैं सब्जेक्ट पढ़ता हूँ इससे रिलेटेड, हिस्ट्री पॉलिटी के, तो उनसे अगर कोई टॉपिक पढ़ता है, कोई जगह नदी कुछ भी पहाड़, तो उनको आसानी से मैं कवर कर सकूँ। उसके बाद बात की जाए तो ये मेरा सिलेबस है यहाँ पे, ये मेंस का सिलेबस है, GS1 का, GS3 का, GS2 का और एथिक्स का। ये प्रीलिम्स का सिलेबस लगा रखा है मैंने, ताकि मैं पढ़ाई के टाइम पे मैं जो कुछ भी पढ़ता हूँ, जैसे न्यूज़पेपर या कुछ और चीज़ें, तो न्यूज़पेपर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आती हैं तो उन चीज़ों को मैं लिंक कर सकूँ सिलेबस के अकॉर्डिंग। बाकी ये ऑप्शनल का सब्जेक्ट सिलेबस है, ऑप्शनल का पेपर 1 का, और ये ऑप्शनल का पेपर 2 का सिलेबस है। जी सत्यमेव जयते मोटिवेशन के लिए। बाकी कुछ मोटिवेशन के स्टिकर्स ये लगाए हैं शॉर्ट नोट्स, ताकि पढ़ते समय मोटिवेशन मिला बनता रहे, ठंडा तुम अंदर आग लगी रहे पढ़ने की, कि हाँ मुझे पढ़ना है, कुछ ये हो गए कुछ ये हो गए। बाकी जो ये शॉर्ट्स नोट्स लिखे हैं मैंने, कुछ ये न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते या कुछ बुक्स पढ़ते पढ़ते जो इंपॉर्टेंट लगती है चीज़ें, उनको याद रखने के लिए एकदम से सामने लगा रखी हैं, ताकि इन पर नज़र पड़ती रहे, मुझे आसानी से याद हो सके, कुछ ये रहे। इसके अलावा कुछ मोटिवेशन के कोट्स ये हैं यहाँ पे, ये है ऑफिशियल कुछ साइट्स हैं जिन्हें मैं फॉलो करता हूँ टाइम टू टाइम। रही बात तो इसकी नोटिस बोर्ड की, तो जो ये चीज़ है ये मेरे मंथली टारगेट हैं कि मुझे मंथ में किस किस चीज़ों को लेके कैसे कैसे कवर करना है, तो ये मंथली टारगेट के हिसाब से मैंने ऐसा है। ये मेरा डेली रूटीन है, डेली टाइम टेबल है कि मैं डेली मुझे क्या क्या करना है। सो 4 बजे से लेकर मैं शुरू होता है टाइम टेबल और रात के 11 बजे तक।
साथ में यहाँ पे भी कुछ कोटेशन लिखा है मोटिवेशन के लिए, ये भी कुछ कोटेशन है, ये भी कुछ मोटिवेशन के लिए, ये भी बाकी ये भी कुछ थिंग्स हैं जो मुझे थ्योरी मेरी खुद की है, जो करना है तो करना है, कुछ थ्योरी इस प्रकार से है। बाकी मैंने एक डेज कट करने के लिए, कम करने के लिए, या कैसे कैसे डेज बीत रहे हैं उनको कट करने के लिए बना रखा है, जैसे कि 4 तारीख को ट्रिलियन से, तो इस हिसाब से बना रखा है। बाकी इसके हिसाब से मेंस के हिसाब से ही बना रखा है मुझे कि मेंस जब होगा, जैसे कि मेंस जनवरी में है 8 तारीख तक, तो 8 तारीख तक का मैंने लिखा है, ठीक है। बाकी जो ये है, ये लवाशना का कप है, तो इसे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है पढ़ते टाइम, ये सामने रखा है। तो ये मैंने कहाँ से लिया, तो अगर वहाँ जो अकेडमी है वहाँ कुछ दोस्त भाई लोग काम करते हैं तो उनके थ्रू मैंने मंगवाया था, बाकी ये भी मोटिवेशन के लिए। अब एक मैप जो है ये है, मैं टेबल पे लगा हुआ है, ये वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप है, पढ़ते टाइम एकदम से ताकि मेरी नज़र इन पर पड़ती रहे मैप पे ना, मुझे उठ के वहाँ ना जाना पड़े, इस वजह से मैंने यहाँ पे लगाया है, ठीक है। अब इसके अलावा मैप प्रैक्टिस की बात की जाए, तो मैप जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ वो इस तरीके से करता हूँ, मेरे पास मैप है वर्ल्ड के, इंडिया के हिसाब से, तो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है थिंग हिसाब से करता हूँ, जैसे ये धाराएँ हैं, ठंडी धारा, गर्म धारा, इस वजह से, जैसे कि ये हो गई मैंग्रोव्स इन इंडिया हैं, ये बाल्टिक देश के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये मेंस का क्वेश्चन था इंटरव्यू मैप के हिसाब से, मैप अकॉर्डिंग, तो वो मैंने सॉल्व कर रखे हैं ऐसे। ये अशोका के टाइम पे का, सुशासन काल के टाइम पीरियड का है कि उसने कहाँ कहाँ शासन किया था, कहाँ कहाँ तक उसका साम्राज्य फैला हुआ था, ऐसे करके बाकी चीज़ें कर रखी है मैप के लिए। बाकी साथ में यह एटलस भी है जिसे मैं टाइम टू टाइम फॉलो करते रहता हूँ। ये मेरी टेस्ट सीरीज है, टोटल 25 से 30 के आसपास है जिन्हें सॉल्व करता हूँ, जो मुझे प्रीलिम्स के तक मुझे सॉल्व करनी है और फिर उनका एनालाइज करता हूँ। बाकी ये मेरा खुद का बजट है, हैंडमेड, मतलब खुद बजट बनाया है, खुद बजट के नोट्स हैंडमेड बना रखे हैं मैंने न्यूज़पेपर से। ये पीटीज है, PT 365, इनको मैं टाइम टाइम पढ़ता रहता हूँ। बाकी जो ये चीज़ें हैं, ये प्रीवियस ईयर पेपर हैं मेंस और प्रीलिम्स के दोनों, ठीक है। अब आते हैं बुक लिस्ट पे, तो बुक लिस्ट की बात की जाए तो मैंने बुक लिस्ट प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए, एवरी सब्जेक्ट पे मैंने एक एक बुक रेफर की है, जैसे आर्ट एंड कल्चर के लिए सिंघानिया, आर एस शर्मा, विपिन चंद्रा, गांधी के बाद भारत, लेक्सिकॉन, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटी, लक्ष्मीकांत, माजिद हुसैन, रमेश सिंह, इस हिसाब से ज़्यादा बुक रेफर नहीं की, क्योंकि जितना कम पढ़ोगे उतना ही सही रहेगा, बार बार ज़्यादा रिविज़न करने के लिए आसानी रहती है। अब बाकी जो ये हैं, ये मेरे खुद के नोट्स हैं सारे, जो ये हो गए और ये हो गए, ये नोट्स मेरे खुद के, कुछ रेफरेंस बुक के हैं, कुछ NCERT के हैं और कुछ डेली न्यूज़पेपर के हैं। जैसे कि न्यूज़पेपर की बात करें तो उनके हिसाब से मैंने कैसे बना रखे हैं, तो आपको दिखाता हूँ अभी। तो मैंने भी क्या कर रखा है कि 4 कॉपी बना रखी है, जैसे कि GS1, GS3, GS2 और ये साइंस एंड एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, और एक GS4 के लिए, और एक ये वन लाइनर के लिए बना रखी है। तो मैं क्या करता हूँ, जब जब भी न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ तो न्यूज़पेपर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है, तब चाहे वो GS1 से रिलेटिव हो, तो मैं उन पे इन पे नोट करता हूँ। और जब GS2 का, तो उन्हें इन पे नोट करता हूँ। और जब GS3 की चीज़ें आती है, तो उन्हें इन पे नोट करता हूँ, सिलेबस को मैच करते करते। तो जैसे कि GS2, जैसे GS3 है, तो जैसे कि इम्पोर्टेंट चीज़ें आती हैं उनमें नोट करते रहता हूँ मैं क्या, और जगह ये गैप इसलिए छोड़ रखी ताकि कुछ और चीज़ें एड ऑन करता कर सकूँ। तो ऐसे मैं लास्ट, जब से मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी तब से मैंने शुरू किया है, ठीक है, सभी को। ये साइंस एंड टेक के नोट्स हैं,
ये न्यूज़पेपर, सारे न्यूज़पेपर से ही बनाए हैं मैंने। तो ऐसा करके 500-600 क्वेश्चन हो गए मेरे ये साइंस टेक के, काफ़ी सारे। तो इसमें क्या होता है कि जब आप सीधा पेपर ख़त्म करते हो, सॉरी माफ़ करना, जैसे कि एंड में जब आप पेपर देने जाते हो प्रीलिम्स के, तो तब तक आपके पास बहुत सारा मटेरियल हो जाता है खुद का, जो आप पहले भी पढ़ चुके हो। यानी कि एक बार आपने तब पढ़ा जब आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, फिर आपने दूसरी बार तब पढ़ा जब आपने नोट डाउन किया, तीसरी बार चौथी बार आपने बीच में रिवीजन किया होगा, और पांचवी बार छठी बार आप तब पढ़ सकते हो जब आप पेपर देने जाते हो। तो इन सब चीज़ों को आप तब तक रिवीजन करते हो मोर एंड मोर टाइम, तो इसमें आपका खुद के नोट्स बन जाते हैं और आपका अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है। बाकी ये भी कैसी हैं GS 3 के कुछ तो सब भर चुके हैं जिनका मुझे रिवीजन करना है, कुछ के कर चुका हूँ। और जो एक ऑप्शनल की कॉपी है, बाकी जो ये ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बना रखी है मैंने, जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको रिवीजन करने के लिए इम्पोर्टेंट ज़रूरी। बाकी जो ये एक दो लिस्ट और हैं, ये मैंने RSTV विशेष जो चलता है प्रोग्राम और देशांतर, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आती है उनको कवर कर रखी है, उनके नोट्स में रखे हैं जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में, इनका रिव्यू बाकी है। वैसे ही जैसे ये है दूसरा रजिस्टर, तो ये दृष्टि आई इसका है इम्पोर्टेंट, जैसे माइंड मैप टू डो पॉइंट जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है वो सबको इस पर नोट कर रखा है मैंने इस तरीके से। बाकी कुछ NCERT के नोट्स हैं खुद के, बाकी जो ये हैं ये ऑप्शनल बुक हैं, हिंदी लिटरेचर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है मेरा हिंदी साहित्य, उसके बुक्स हैं ये, उसके नोट्स हैं। बाकी NCERT हैं कुछ यहाँ पे, और NCERT कुछ ये हैं जो मैं पढ़ चुका हूँ 2 बार 3 बार, और बाकी जो ये वाली है 11th 12th के NCERT है जिन्हें मुझे पढ़ना है, अब 2-3 बार मैं पढ़ चुका हूँ उनका, एक दो बार और रिविजन अभी करना बाकी, इसलिए इन्हें अलग रखा गया है। तो ये बुक लिस्ट तो हो गई कैसे कैसे, अब बात करते हैं कि कैसे कैसे मैंने प्रिपरेशन शुरू की। बात करें प्रिपरेशन के बारे में, तो प्रिपरेशन के बारे में बात करने से पहले अपने बारे में कुछ बता दूँ, मेरे पापा मजदूर हैं और मेरी मम्मी प्राथमिक विद्यालय में भोजन माता है, खाना बनाने का काम करती हैं। मेरे परिवार में कोई भी सरकारी सेवा में नहीं है, ना ही कोई बड़ा है जो मुझे गाइड कर सके किसी भी चीज़ के लिए, इस या फिर UPSC के एग्ज़ाम के लिए। यह मेरा खुद का फैसला था क्योंकि बचपन से ही बहुत सारी चीज़ें को फेस किया है, स्ट्रगल फेस किया है, भेदभाव जात पात इन सब चीज़ों को, तो अंदर दिल में बहुत सारी चीज़ जो भी थी बचपन से लेके, तो उसी का परिणाम है कि मैं UPSC की तैयारी कर रहा हूँ। अब UPSC की तैयारी की बात आती क्या कि हिंदी में बहुत सारा भ्रम फैला हुआ है कि जो आज के टाइम पे सिलेक्शन हो रहा है वो इंग्लिश मीडियम का ज़्यादा हो रहा है, कोचिंग वालों का ज़्यादा हो रहा है। अब भ्रम क्या है कि हिंदी मीडियम वालों का नहीं हो रहा है, क्योंकि आप बिना कोचिंग के तैयारी कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो हिंदी माध्यम का नहीं होगा, या हो तो रहा है तो बिल्कुल कम मात्रा में हो रहा है। तो सब बच्चे डरे हुए रहते हैं कि नहीं हिंदी माध्यम का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, बिना कोचिंग के सिलेक्शन नहीं होता है, हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे ये वो। तो जब पहले से दिमाग में सब चीज़ें बैठ जाती है तो वो फॉर्म नहीं भरते हैं उस माध्यम के द्वारा, और जब फॉर्म भरने वालों का ही रेशियो कम हो उस चीज़ के लिए, ऐसे हिंदी माध्यम के वजह से हिंदी माध्यम के छात्र नहीं भर पा रहे हैं हिंदी माध्यम, कोई मतलब कोई भी छात्र हिंदी माध्यम से नहीं भर पा रहा है फॉर्म, क्योंकि उसका माइंडसेट पहले से ही ये हो रखा है कि हिंदी माध्यम से सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो जब रेशियो पहले से कम है फॉर्म भरने वालों का, तो सिलेक्शन भी डेफिनेटली कम ही होगा उस माध्यम से। लेकिन रही कोचिंग की बात, तो कोचिंग वाला ज्वाइन करने से सिर्फ इतना फ़ायदा होता है कि वहाँ से तुम्हें गाइडेंस मिल जाता है प्रॉपर टाइम टू टाइम, तुम्हें मोटिवेशन मिलता रहता है, एक क्लासेस रेगुलर लगी रहती है, तो तुम्हारे अंदर डेडिकेशन बना रहता है पढ़ाई के लिए। लेकिन कोचिंग वाले भी और बिना कोचिंग वाले भी जो कॉमन क्या है वो कॉमन यही कि पढ़ना और याद करना खुद ही करना पड़ता है, कोचिंग में जाके कोई अलग से कोई घुट्टी नहीं पिला देते हैं कि वो जाके आप एकदम से टॉपर बन जाओगे, वहाँ भी जाके तुम्हें सेल्फ स्टडी खुद ही करनी पड़ती है, खुद ही पढ़ना पड़ता है। इसलिए अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बस जरूरी है कि आपके अंदर डेडिकेशन हो, मोटिवेशन हो, रेगुलरिटी बनी रहे।
बस अगर आपके साथ कोई कनेक्ट करने वाला है, आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला है कि कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे नहीं करनी है, तो ये चीज़ें आसान हो जाती है। लेकिन आज के टाइम पे यूट्यूब, गूगल ऐसे कुछ माध्यम हैं जिनके जरिए अगर आपके पास गाइडेंस वाला नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, फिर भी यूट्यूब और गूगल जैसे इन चीज़ों पे, इन माध्यमों पे जो प्लेटफॉर्म है, इन पे बहुत सारा गाइडेंस पहले से भरा पड़ा है। तो उस चीज़ का सही उपयोग करके आप आसानी से ऐसा कर सकते हो बिना कोई हेजिटेट हुए हुए। इसलिए ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा एनालाइज करके चीज़ों को और आसानी से प्रिपरेशन शुरू कर लेनी चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है कि एक टॉपर भी वही बुक्स पढ़ता है जो एक सेल्फ स्टडी करने वाला, बस दोनों की चीज़ों में तरीका है अलग अलग हो जाता है। ठीक है, बस हमें भी वही तरीका अपनाना है जो कोई टॉपर्स अपनाता है। बाकी चीज़ें आसान खुद ही हो जाती है जब आप रास्ते पे चलना शुरू करते हो। रही मेरी बात, तो मैंने इससे पहले 2019 का अटैम्प्ट दिया था, पर वो टाइम मैंने बिना प्रिपरेशन के दिया था। मैं सिर्फ फरवरी में फॉर्म फिल किया था, उसके बाद सीधा मैं 2 जून को पेपर देने गया था। जब पेपर देने गया था तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, सिर्फ पेपर जब मेरे सामने ओपन किया तो जो सी सेट का पेपर था वो क्वालिफाई कर लिया था, उसमें मेरे 86 नंबर आए थे, और जो GS का पेपर था उसमें मेरे 30 नंबर आए थे। तो जब पेपर दे के घर पर आया, मैंने जब चेक किया, जब मुझे लगा कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, तो मैंने फिर सोचा कि जब मैं बिना प्रिपरेशन कितना कुछ कर सकता हूँ, तो अगर मैं पढ़ाई करूँ अच्छे से, डेडिकेशन होके, डेडिकेट होके प्रिपरेशन करूँ रेगुलर, तो आसानी से ये चीज़ें हो सकती है। फिर मैंने जून से प्रिपरेशन करना शुरू किया। बाकी रही नोट्स वगैरह बनाने की बात, तो ये सब मैंने कहीं यूट्यूब से सीखा, किसी टॉपर से सुन सुन के किसने कैसे किया। तो प्रिपरेशन शुरू करने से पहले मैंने लगभग 10-15 दिन तक यूट्यूब पे जितने भी टॉपर हैं सबका इंटरव्यू देखे, जिनका सिलेक्शन हो चुका पहले से, उनकी क्या स्ट्रेटेजी थी, किसने कैसी रणनीति अपनाई, क्या क्या फ्रेमवर्क किया था उन्होंने तैयारी शुरू करने से पहले, उन सबको देखा, फिर उन सबका जो एक कंक्लूजन निकाला सबको मिला के, फिर अपनी मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई। अब सबकी स्ट्रेटेजी सबकी अलग होती है, क्योंकि सबकी स्ट्रेंथ और जो कमियाँ होती है वो अलग होती है, तो सबको अपनी अपनी स्ट्रेटेजी अलग अलग तरीके से बनानी चाहिए। बस खुद पे विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ताकि और ज़िंदगी में मतलब एक बार जरूर करना चाहिए, कि मतलब इस उसमें मत रहना कि नहीं मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, ताकि आगे जा के आपको इस बात का रियलाइज करना पड़े, आपको पछताना पड़े कि नहीं यार उस टाइम पे मैं प्रिपरेशन कर लेता तो मे बी मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो एक बार इस राह पे चल के जरूर देखें, मतलब ऐसे मन के अंदर हेजिटेशन मत लाओ कि नहीं यार नहीं होगा, तो ये किसी किताब में नहीं लिखा है कि बिना कोचिंग के और हिंदी में माध्यम वालों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है या नहीं होगा। बस जरूरी ये है कि आपको उस तरीके से मेहनत करनी पड़ती है डेडिकेशन होके। बाकी जब आप चलना शुरू कर दोगे तो चीज़ें आसान होनी शुरू ही कर देगी, आसान होना शुरू हो जाएगी अपने आप, आपको पता भी नहीं लगेगा। बाकी तैयारी करने वालों को, जो तैयारी कर रहे हैं साथ के, उनके लिए ऑल द बेस्ट अपकमिंग प्रीलिम्स के लिए। अच्छे से पढ़ो डेडिकेशन होके, बिना कोई हेजिटेशन हो कि नहीं हो या ना हो, बस अच्छे से मेहनत करते रहो। गुड लक।